ठीक है भाई चालू हो गया है ओके हेलो 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 आवाज भी सही है लेट्स गो क्यों परेशान कर रही है अरे क्या नोज में क्यों डाल रही है मेरे यू नो विकास आई एम वेरी बिजी बिकॉज आई एम ईटिंग ब्रेकफास्ट उनको भी दिखा दे क्या खा रही है बहुत नीचे है क्योंकि छोटी है तो हाइट की बहुत हाँ आप दिख पाएगा उनको <laughs> इसलिए तो पहन के आते मोटे वाले ताकि दिखे अरे इतनी भी छोटी नहीं हूं मैं अच्छा चल अच्छा ये जो तू सीखी हुई है ना आई एम ईटिंग ब्रेकफेस्ट इटिंग ब्रेकफेस्ट ईट ही तो कर रहे हैं तो क्या तो ब्रेकफास्ट बोलूंगी तो तू ये बता मुझे जो खाना खाती है जैसे ये सब हो गए फूड एंड ऑल इनको ईट करती है कि ब्रेकफास्ट वाले वर्ड को ईट करती है ईट करती हूँ यार प्रियंका देख समझ मेरी बात ये ना उन्हों ठीक है ब्रेकफेस्ट हो गया आपका लंच हो गया डिनर हो गया इनको खा नहीं सकती देख, है देख देख आज तेरे को यही सिखाने वाला हूं मैं समझी समझ आया <coughs> तो आप ना ईट उसी के साथ यूज करते हैं जो चीज फूड होती है लाइक आई वुड लाइक टू ईट पिज्जा और आई ईट बिस्किट आई ईट क्रिस्पी सॉल्ट ये भी खा रही थी आई ईट लगाते हैं लेकिन जब आप ब्रेकफास्ट you know, uh, बोल रहे हैं जब आप यू नो ब्रंच बोल रहे हैं सपर बोल रहे हैं डिनर बोल रहे हैं and all these things. क्या बोलेंगे आप आप बोलेंगे और समझी? But आज भी लोगों को लगता है नहीं क्योंकि आई ईट यू नो आई ईट ब्रेकफास्ट इज अ बेसिक इंग्लिश नो नॉट अ बेसिक अगर आप ऐसा बोलते हैं आई ईट आई ईट पिज्जा तो आप इसको इंग्लिश में एडवांस वे में क्या बोलेंगे आई हैव

लेते हैं इन सेंस लाइक वो एक, एक, एक वे है बताने का you know, uh, है exactly, जो चीज है वो खा रहे होना oh, gotcha, gotcha. है, है जो हम लाइक बेसिक बहुत यू नो ओल्डिश खा रहे हो करते हैं बट आज के डेट में ना अपडेट इंग्लिश चलती है you know, English, that, तो okay. सिखा दे क्या उनको क्या बोलतीस कोस लेकिन मेरे लिए क्रिस्पी सोच लाएंगे ना क्योंकि मेरी एनर्जी ड्रेन हो जाएगी थैंक यू सो मच जो मेरी एक चीज और जो बेसिक इंग्लिश होगी ब्लैक मीन्स बेसिक रेड मीन्स एडवांस्ड ब्लैक समझ लो मैं हूं एडवांस समझ लो ये रेड रेड कूल ओके कूल प्रियंका वो समझ गए इतना दिमाग है उनके पास हैगी नहीं प्लीज

हाँ। uh, है, है? अच्छा? So मैंने हाँ। एक ऐप लॉन्च हुआ है ठीक है और आपको वहां पर प्यारे प्यारे कोर्सेस मिलने वाले हैं चाहे वो इंटरमीडिएट बंदा हो चाहे वो बिगनर हो चाहे वो एडवांस स्पीकर हो उसके लिए ग्रामर प्लस स्पोकन उसमें भी आपकी फॉर्मल आती है यानी जो आप MNC's यान किसी यू नो प्लेसेस में करते हैं और एक नॉर्मल इंग्लिश हाँ, आती है जो वो है exactly मैंने बनाई है बहुत मेहनत करके बनाई है आप इनकी वीडियो देखने के बाद उस वर्कशीट पे जाओ ऐसे भी देखते हैं जब हम वीडियोस बनाते हैं तो आप अपने आप को काफी बेहतर बना पाओगे प्रियंका भी उससे सीख रही है थैंक यू सो मच बाय कीप वॉचिंग video. All right, the first one is I am eating medicine. सही है क्या अब बताओ Well, सही तो है But क्या है Basic English है Advanced क्या होगा देखो यार जब भी आप खाना खाते हो कुछ पीते हो ना तो उसको ना आप eating you know drinking से remove करके आप टेकिंग या हैविंग यूज कर सकते हो एंड दैट साउंड्स अमेजिंग ठीक है तो आज के बाद क्या करना है आपको मोस्टली जब लाइक like, बोलते हो ना आई एम ईटिंग ब्रेकफेस्ट वेल आपको बताना चाहता हूं ईटिंग यूज भी करना गलत है क्यों क्योंकि ब्रेकफास्ट इज एग्जैक्टली आप उसको नहीं खाते हो आप फूड को खाते हो यही तो बात है आप फूड खाते हो इस वजह से आप क्या बोलोगे आई एम ईटिंग फूड जैसे आई एम ईटिंग पिज्जा यू कैन से दैट बट यू कैन नॉट से आई एम ईटिंग लंच कैन बी बिकॉज यू नॉट गोन ईट लंच सो यहां पर यह बात समझ आती है कि हैव और टेक मोस्टली आप यूज करें जब आप ब्रेकफास्ट बोलते हैं लंच बोलते हैं डिनर बोलते हैं सपर बोलते हैं वॉट एव या ब्रंच बोलते हैं जो कि नून या फिर हम ब्रेकफास्ट के बीच में जो खाते हैं ना ग्यारह और बारह के अप्रॉक्स समथिंग उस समय समझ गए सो द एडवास इज गई एम टेकिंग मेडिसिन दैट इज द एडवांस वन नेक्स्ट वन आई एम सिकू वी यूज दैट नॉट आई डू नॉट यूज इट पर्सनली क्योंकि सबसे जो कॉमन और फेमस है ना वो ये है क्या आई एम अंडर द वेदर आई एम अंडर द वेदर है कि नहीं जब वेदर आता है तो वेदर में क्या होता है हमारी तबीयत खराब हो जाती है यही होता है तो इस वजह से हम लोग क्या बोलते हैं आई एम अंडर द वेदर ठीक है और जब आपकी तबीयत खराब हो रही हो ना तो आप एक एक्सप्रेशन और यूज कर सकते हो आई एम कमिंग कमिंग डाउन विद समथिंग ओके आई एम कमिंग डाउन विद समथिंग इट मीनस यू आर नॉट फीलिंग एनर्जेटिक ओके आप थोड़ा सा लाइक कमजोर फील कर रहे हैं उसका मतलब यह होता है समझ गए आप wow. नेक्स्ट देखें आप आई डोंट ट्रस्ट इट मैं इस चीज पे ट्रस्ट बिल्कुल नहीं करता हूं सो हाउ वुड यू से इन एडवांस्ड इंग्लिश देखो यहां पास आप थोड़ा सा अलग हो जाते हो आई डोंट बाई इट इज द एडवांस इंग्लिश वाई इज दैट सो क्योंकि समझो आप कोई भी चीज तब खरीदते हो ना जब उस चीज पे ट्रस्ट काफी होता है जब वो चीज आई मीन इफ यू डोंट ट्रस्ट दैट थिंग सो यू यू को से से वट आई डोंट ट्रस्ट इट है कि नहीं तो आई डोंट बाई इट मतलब उस चीज को आप खरीदोगे ही नहीं तो ऐसे रिसम्बल कर सकते हो कि कोई चीज आप नहीं खरीदते हो क्यों क्योंकि आपको ट्रस्ट नहीं होता है इस वजह से आप इस तरह बोलते हो ठीक है ऑल राइट गाइस डन समझ गए नेक्स्ट वन यू कैन ट्रस्ट मी सी दिस इज अ वेरी बेसिक इंग्लिश नो वन यूज यू कड़ा यूज यू कैन काउंट ऑन मी काउंट करने का मतलब होता है कि जब भी आप प्रॉब्लम में होते हैं समथिंग वट एवर यू कैन काउंट ऑन मी मतलब आप मेरे को काउंट कर सकते हैं इसका मतलब मैं आपका साथ दूंगा तो दिस इज हाउ मीन्स कि मैं आप पे ट्रस्ट करता हूं मीन्स आई ट्रस्ट यू नो आई कैन काउंट ऑन यू It sounds cool. It sounds amazing. You have to have used these expressions, okay? All right, let's go with the next one. You can count on me. I've told you one. I haven't seen you for a long time. अब ये तो बताने वाला नहीं हूँ मैं क्योंकि मैंने तो लाखों बार आपको बोल बोल के चिला चिला के थक गया हूँ मैं. क्या बोलते हैं? Long time no see. समझे आप? तो कभी भी जब बहुत दिन के बाद आप किसी से मिलते हैं छोटा so no सा है, सब बयां one, undecided. Mm -mm, undecided, है. सब कर देता नेक्स्ट वन द प्लान इज स्टिल जो चीज अभी डिसाइड नहीं होती है ना उसके लिए आप क्या बोलेंगे द प्लान इज स्टिल अप इन एयर अभी भी हवा में बातें फैल रही हैं मींस अभी भी डिस्कशन चालू है स्टिल नो वन हैज फिक्स द माइंड सेट आई मीन यू नो नो वन हैज मेड अप द माइंड यू कैन से लाइक दिस ठीक है ओके okay, समझ गए तो ऐसे बनाते हैं देखिए आप एडवाइस स्टिल अप इन द एयर मतलब बातें अभी भी डिस्कशन चल रहा है समझ गए रिलेट करना है मैसेज मी वंस यू रीच मतलब जब आप एक बार पहुंच जाते हैं तो मुझे मैसेज कर देना तो मैसेज मी इज अ वेरी बोरिंग वे इज अ वेरी यू नो आउटडेटेड वे वॉट यू कना यूज पिंग मी ओके आप मैसेज लाइक व्हाट्सएप ओ यू कैन पिंग मी एट एग्जैक्टली सिक्स ओ क्लॉक दोज ऑल इमेजेस एंड ऑल सो पिंग मी मीस आपको होता है सेंड कर देना फॉरवर्ड कर देना या टेक्स्ट करना हिट करना मतलब आप हिट मतलब मारने वाला हिट नहीं ऑब्वियसली मीस क्या 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 बताओ बताओ ऑब्वियसली इसका मतलब यही है कि मुझे मुझे इंफॉर्म कर देना ठीक है सो मैसेज मी यू गोना यूज पिंग मी वंस यू रीच डन नेक्स्ट देख देखें आई ट्राइड इट मैंने कोशिश की आई ट्राइड इट नो वी डोंट से लाइक दिस आई जस्ट गेव इट अ शॉट और आई गेव इट अ गो हां ऐसे यूज देखो आपने सुना होगा आई नो दैट आपने सुना है बट आप यूज नहीं करते तो आज के बाद आप क्या बोलेंगे आई गिव इट अ गो और या फिर आई गिव इट अ शॉट अट मुझे बहुत ही अच्छे तरीके से ये सब रटा हुआ है इस वजह से मैं आपको पढ़ा रहा हूं ताकि आप भी यूज करें क्योंकि मैं वही आपको पढ़ाने वाला हूं ना जो मैं यूज करता हूं क्योंकि डे वन है ना बहुत ही कॉमन आने वाला है ठीक है नेक्स्ट देखें आप आई नीड योर एडवाइस दिस इज अ काइंड ऑफ समथिंग दैट आई रियली इग्नोर आई डू नॉट यूज दिस वन वाई यूज आई नीड योर एक्सपर्टीज क्सपर्टाइज ठीक है इसको इसकी जो प्रोनासिएशन है एक्सपर्टाइज नहीं बोलना आई नीड योर एक्सपर्टाइज बट यू गोडा से वॉट आई नीड योर एक्सपर्टीज आपकी एक्सपर्टीज मुझे चाहिए यानी आप जिसमें बेस्ट है ना मुझे आपकी एडवाइस चाहिए कितना अच्छा साउंड होता है है कि नहीं आज के बाद ये यूज करेंगे आई शुड फोकस नो आई मीन मोटिवेट कर रहे हैं ना इंस्पायर कर रहे हैं तो अच्छा सा एक्सप्रेशन मारिए ना क्या बोलेंगे आई शुड कीप द आई ऑन द टेबल ई शुड कीप द आई ऑन द टेबल मतलब मेरे को मेरी आई टेबल में रखनी है टेबल में रखनी है, मतलब कोई जो एक टारगेट है ना उस टारगेट पर फोकस करना है सो दिस इज हाउ दैट मीन्स आउट ठीक है ओके okay. बहुत वेरी मच कॉमन नहीं है बट ऑब्वियसली आई लव इट आउट सो मैंने रखा हुआ है तो आप यूज करें ठीक है बाकी बहुत कॉमन थे कैन यू गेट मी फ्रॉम द एयोर्ट वेल कहीं भी आप जाते होंगे तो बहुत बार ऐसा हम बोलते हैं ना क्या मुझे आप लेने आ सकते हो प्लीज है कि नहीं सो कैन यू गेट मी फ्रॉम द नो वन वो कैप दैट बी यूजिंग एंड वो अपने आप इस इंग्लिश लाइक like, इस एक्सप्रेशन को खासकर बहुत अच्छा बना देती है कैन यू फैच मी फ्रॉम द एयरपोर्ट अमेजिंग फैच फैच मीज आप यू you नो know, मुझे वहां से ले जा सकते हो वट ठीक है ओके नेक्स्ट वन i can repair this आज के दिन में कौन ही बोलता है ये चीज है कि नहीं i can repair this क्या बोलते हैं i can fix this है कि नहीं कैन यू प्लीज फिक्स माय वॉच ऑल दिस ओके गाइस द नेक्स्ट वन इज हिज नेम साउंड्स फेमिलियर मैंने आपको कहीं देखा हुआ है मैंने आपको कहीं देखा हुआ है या हम बोलते हैं क्या कैसे बोलेंगे हिज नेम साउंड्स और हिज नेम रिंग्स अ बेल समझ गए आप मैंने आपका चेहरा देखा हुआ है बेल मैंने आपकी आवाज सुनी हुई है योर साउंड रिंग्स अल आपका नाम मुझे सुना सुना लग रहा है योर कोई भी चीज सुना सुना देखा हुआ कहीं यू नो लाइक बेल बजाता है मेरे दिमाग में घंटी बज जाती है मतलब ऐसा फील होता है कि मैंने आपसे कभी मिला है अमेजिंग अमेजिंग मजा आ जाएगा ये यूज करना है आपको ठीक है आई एम स्केयर टू डू दिस ठीक है मैं डरा हुआ हूं इसको करने से मतलब इसको करने के लिए ठीक है मतलब काफी डर लग रहा है सो व्हाट यू गोना से आई हैव कोल्ड फीट वेल अगेन इट्स नॉट प्रीटी कॉमन बट बिलीव मी व्हेन इट कम्स टू व्हेन द इंग्लिश पीपल आर कंसर्न दे हैव बीन यूजिंग आई हैव कोल्ड फीट कोल्ड फीट मींस ठंडा याद करो जब ठंडे पैर होते हैं आपके क्या होता है लाइक uh, like, शिवरिंग होते हैं ना डर लगता है समथिंग लाइक दैट तो आई मीन शिवर करते हैं शिवर कब करता है जब आप फॉर एग्जाम्पल जब ब्लड प्रेशर हाई होता है जो बहुत डर जाते हो आप कभी देखोगे ना आपके पैर कांपने से लगते हैं शिवर करने लगते हैं है कि नहीं सो आई हैव कोल्ड फीट दिस इज द वे वी से इट आउट तो याद रखना आप ठीक है नेक्स्ट देखें आप प्लीज कम टू द पॉइंट अरे यार बात पे तो आओ ये अननेसेसरली क्या बातें करे जा रहे हो क्या बोले जा रहे हो तो उसको हम बोलते हैं प्लीज कट टू द चेस है ना या बोल सकते हो डोंट बीट अराउंड द बुश बेवजह फालतू घुमाए वाले बातें मत करो बात करो जो मेन है अब मैं वही कर रहा हूं मैं आपको एक एक चीज बेहतरीन तरीके से प्रॉपरली दे रहा हूं ठीक है प्लीज कट टू द चेस इज द बेस्ट एक्सप्रेशन दैट इज वेरी कॉमन वे यूज करना है ठीक है ओके गाइज नेक्स्ट वन आई वॉन्ट टू टॉक टू यू आई वॉन्ट टू टॉक ये कॉमन ये बहुत बेसिक इंग्लिश है ये कोई नहीं बोलता है क्या बोलते हैं आई वॉन्ट वर्ड विथ यू वर्ड इज काइंड ऑफ इस अनकाउंटेबल नाउन तो वर्ड्स नहीं बोलिएगा ठीक है ना ही आर्टिकल यूज कीजिएगा ठीक है सो so, मतलब आई समझ गए आप सो वी कि आपको मजा आ गया होगा ये सभी सेंटेंसेस को सुनने में तो अब क्या करना है आपको डिक्शनरी देखो अगर आपने मेरा प्लान प्रीमियम नहीं परचेस किया कोई बात नहीं आप बना सकते हो इसको देख के अगर आपने परचेस किया तो ऑब्वियसली पीपीटी पीडीएफ सब कुछ मिलने वाला है बेहतरीन तरीके से हर वीडियो के नीचे बढ़िया सा लिंक मिलेगा आप उसमें क्लिक करेंगे सीधा आपके पास ठीक है सो यू कैन परचेस दैट एंड यू कैन सर्च ऑन द गूगल लाइक विकास शुक्ला इंग्लिश मिल जाएगा आपको शॉर्ट सब चीजें आएंगी ठीक है सो आई होप यू लव दिस दिसन एंड इन केस इफ यू हैव एनी डाउट एनी क्वेरीज एनीथिंग यू आर वेरी मच इन्वाइटेड ऑन Instagram हैंडल पेज मैं आपके लिए प्रोडक्टिव रील्स रोज लाता हूँ बहुत ही बढ़िया यार आप एक बार फॉलो तो करो आप देखो तो सही फॉलो छोड़ो देख तो लो है कि नहीं? Now, आ, बाकी अपना प्यार बरसा देना है ठीक है लाइक शेयर सब्सक्राइब वॉट जो मन करे कर डालो बट बिना किए जाना नहीं बता रहा हूं मैं ठीक है